नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बुलंदशहर में अब तक 75 श्रमिकों ने जाल जाने की इच्छा व्यक्त की है और रजिस्ट्रेशन करवाया। जिला सेवा योजन कार्यालय बुलंदशहर ने 75 श्रमिकों ने जमा किया अपना डाटा। इसराइल जाने के लिए लगातार सेवा योजन कार्यालय श्रमिक पहुंच रहे हैं। इसराइल भेजने के लिए जिला सेवा योजन विभाग की तरफ से लगातार श्रमिकों से संपर्क किया जा रहा है। गांव में कैंप लगाकर भी श्रमिकों से संपर्क किया जा रहा है। श्रमिकों को इसराइल भेजने की तैयारी में जिला सेवा योजन विभाग जुटा हुआ है। श्रमिक बोले, अच्छी सैलरी मिल रही है तो इसराइल में खतरा भी उठा लेंगे, सरकार भेज रही है तो हमारा ख्याल भी रखेगी। साथ ही श्रमिकों ने सरकार से इसराइल में सुरक्षा की मांग की है। जिले में लगातार इसराइल जाने वालों की संख्या बढ़ रही है, लगातार श्रमिकों के आवेदन आ रहे हैं। ये बताइए, क्या आपका नाम है और आप क्यों इसराइल जाना चाहते हैं? सर, मेरा नाम सतीश कुमार है, बेरोजगार के हिसाब से मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ कितनी सैलरी मिल रही थी और वहाँ कितनी मिलेगी? सर, मेरी सैलरी वहाँ पे, यहाँ तो मेरे को ऐसे 15,000 रुपये या 20,000 के बीच में पड़ जाते हैं, कभी 10-15 दिन छुट्टी हो जाती है। और वहाँ पे मैंने सुना है कि तो वहाँ 1.5 लाख रुपया सैलरी है, इसलिए वहाँ इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपको नहीं? सर, वहाँ लड़ाई ये है कि तो सरकार ने कुछ निकाला है तो जिम्मेदारी सरकार की है, तो इसलिए जाते हैं। फिर परिवार में आपने बात की तो क्या कहा? सर, परिवार में मैंने बात की थी तो बोले कि तो भाई इतनी दूर लड़ाई चल रही है तो इसलिए मैंने कि सरकार ने जो जिम्मेदारी उठाई है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्या काम करेंगे हम आज, क्या करेंगे? सर, वहाँ बेल्डिंग का काम करना है जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार से ये है कि तो परिवार में थोड़ी जिम्मेदारी रखे और हमारी भी कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आए तो थोड़ी जिम्मेदारी उन वहाँ से भी रखे। ये बताइए, क्या आपका नाम है, कहाँ के रहने वाले और क्यों आप इसराइल जाना चाहते हैं? मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं अच्छे खुर्द का रहने वाला हूँ और इसराइल में मैंने ड्राइवरी पे अपना अप्लाई करा है और यहाँ से ज़्यादा सैलरी है। वहाँ सरकार की निगरानी में जा रहे हैं, सरकार भेज रही है और सरकार भी चाहती है कि यहाँ से जो बेरोज़गार रोज़गार हो। सरकार ने बहुत रोज़गार निकाल रखे पर लेकिन यहाँ सैलरी नहीं है इतनी जितनी वहाँ सैलरी है। अच्छा, ये बताइए, इतनी झगड़ा वहाँ चल रहा है उसके बावजूद भी आप कहाँ जाना चाहते हैं? सर, झगड़ा तो सरकार की निगरानी से जाएंगे ना, झगड़ा तो चल ही रहा है पर लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार हमें गलत जगह भेजेगी, सरकार भेज रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जहाँ भी भेजे अच्छे रखे, हमारे परिवार को भी अच्छे रखे, कोई भी अगर परिस्थिति आए तो।